अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हो आप सब? यार तो मेरे से कोई बंदे पूछ रहे थे कि आप ब्लिंकिंग का इफेक्ट कैसे ऐड करते हैं कैपकट के अंदर। तो बहुत इजी है यार, आपने घबराना नहीं है। एक तो इसमें होता है ना, कैपकट के अंदर पार्टी वाले सेक्शन में आप जाएं तो आपको नीचे जाएं कि एक स्ट्रोब इफेक्ट मिलता है। ये वो वाला इफेक्ट नहीं है, वो तो यार फारिक सा इफेक्ट है। उसे मैं अभी आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कैसा आता है। ये भी ठीक है, लेकिन ये आपको यूज़ करता नहीं है। ये वैसे उन्होंने आर्टिफिशियल पता नहीं क्यों दिया हुआ। अच्छा, अब मैं ब्लिंकिंग का बताता हूँ कैसे आपने वो ऐड करना। पहले आपने ना ओवरले के अंदर आपने एक वाइट बैकग्राउंड ऐड कर लेना जो फुली वाइट हो। तो उसको आपने एक दफ़ा ऐड करके ना अपनी पूरी वीडियो के अंदर एडजस्ट कर लेना। नीचे पे स्प्लाइस पे क्लिक करना, फिर आपने ओवरले पे क्लिक करना, फिर ओवरले पे आपने इसको जितनी मर्ज़ी अपने हिसाब से सेट कर देना। ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा ब्लिंक करेगा, कम करेंगे तो कम करेगा। फिर इसके बाद आपने इफेक्ट्स में जाना है, वीडियो इफेक्ट में जाना है, फिर आपने इसके बाद पार्टी वाले सेक्शन में जाना है। पार्टी वाले सेक्शन पे आपको नीचे ब्लैक फ्लैशेस वाला आपको मिलेगा, वो आपने सेलेक्ट कर लेना। फिर नीचे ना आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ब्लैक फ्लैशेस के इफेक्ट के अंदर, इसके अंदर आपने ओवरले पर टैप कर देना। ये देखें, ये ऐसा इफेक्ट देगा आपको। फिर इसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से जितनी मर्ज़ी इसकी स्पीड रख लेना, उतनी मर्ज़ी से आपको ये इफेक्ट मिलेगा। मैं तो अपनी वीडियो के अंदर वाइट बैकग्राउंड का 10 से नीचे रखता हूँ, 5 से 10 के दरमियान रखता हूँ। आपकी अपनी मर्ज़ी है, जितना आपने अपनी वीडियो में रखना उतना रख लेना। क्या चैनल पे नहीं आया तो सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ कैपकट और लाइट मोशन के ट्यूटोरियल्स की। ये देखो यार, ऐसा चेंज आएगा। ठीक है, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।